इस सत्तर बदीन में जिमनी इलेक्शन 123 पोलिंग स्टेशन पर सुबह 8 बजे से पोलिंग जारी है। शाम 5 बजे तक अवाम वोट कास्ट कर सकेंगे। नशिस्त पीपल्स पार्टी के बशीर अहमद हालीपोटो के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। इंतखाब में 5 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद हालीपोटो और JUI के मौलाना गुल हसन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, पोलिंग के अमले पर इत्मीनान का इजहार किया। ऐसा माहौल मिले कि वो आज़ादी से वोट कास्ट कर सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो। लोग किसको वोट देते हैं इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। JUI के उम्मीदवार गुल हसन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने शहर में कोई काम नहीं करवाया। चूँकि यहाँ के इलाके के आवाम बिल्कुल उनसे तंग है, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, ना रास्ते का काम हुआ है रास्तों का, ना अस्पताल में कोई अच्छी दवाई वगैरह मिलती है, न कोई डॉक्टर गरीब कौम को, जबकि हमारे पैसों से वो पलते हैं। कुछ वोटर्स ने शहर में सहूलियात ना होने का रोना रोया। कुछ का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हल्के में काम किया है। नहीं, हमारी गली में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारी तो गली वैसे भी टूटी पड़ी है, गटर का भी पानी बाहर निकल रहा है। असांजो वोट जी है भुट्टो जो है, चाहे पीर हुए चाहे अमीर हुए चाहे फकीर हुए। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निमटने के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। 12 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 41 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इलेक्शन के 22 हल्के में कारोबार बंद है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन सिंध का कहना है 5 बजे के बाद 1 घंटे तक मीडिया किसी भी पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नतीजे का ऐलान नहीं कर सकता।